साथियों नमस्कार, जीआरबी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आज अपनी दीदी के घर पे हूँ और मैं परसों यानी 24 तारीख को यहाँ पर यानी पनौत बदाली जो धरासू बड़कोट यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे है यहाँ आया। और विगत काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो सड़कें भी अवरुद्ध हो रही है और काफ़ी यात्रा करना काफ़ी डेंजरस है। दीदी का यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन कार्य भी चल रहा है इनका, तो दीदी ने मुझे बुलाया था कि एक बार देखने आ जाना, तो मैं वैसे ही परसों चल दिया। दो दिन की छुट्टी थी तो, लेकिन उस दिन भी मौसम मुझे इतना अंदेशा नहीं था कि इतनी सड़कें ख़राब हो गई। इस नेशनल हाईवे के अभी हालत ठीक नहीं है और काफ़ी जगह जो लैंड स्लाइडिंग हो रहा था, तो मैं इसी बीच आया और अभी भी मौसम ये घिरा हुआ है। ये देखिए आसमान में बादल हैं और आज मुझे यहाँ से उत्तरकाशी मूव करना है, तो मौसम सही रहे और मार्ग भी सही रहे ऐसी मेरी कामना है। ये देखिए मैं ये पीछे मेरे बैक साइड में दीदी का घर है और ये जो निचला वाला पोर्शन है सबसे पहले ये बना था, तो इसमें कुछ पुरानी वास्तुकला के भी नमूने दिखते हैं। और यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है बेहद खूबसूरत है। और यहाँ से मैं ये भी दिखा रहा हूँ, यहाँ नीचे एक गधेरा है और यहाँ से भी ये काफ़ी डेंजरस हो रखा है। यहाँ पे ये देखिए आप, और ये जो बरसात का मौसम होता है इसमें पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य देख के मन जो अभिभूत होता है, कोई भी आता है तो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो मैं यहाँ के कुछ प्राकृतिक सौंदर्य आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ इसको हमारी गढ़वाली भाषा में मार्सल कहते हैं और इसके हाँ हिंदी में चौलाई के पेड़ हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बेहतरीन ये देखिए इस क्षेत्र की खूबसूरती और इन पहाड़ों का सौंदर्य। आहा, ये हरियाली देख के मज़ा आ रहा है।
बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही शानदार। ये प्रकृति हमें अवाक कर देती है कभी, जब हम प्रकृति के नज़ारे देखते हैं। किस प्रकृति में क्या क्या, कितनी कितनी नायाब चीज़ें हैं, एक से एक। काश इंसान इनकी, इसकी दिव्यता को देखिए। देखो सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये पर्वत, ये चोटी दिख रही, इसी के नीचे से मेरे गांव की रोड गुजरती है। आहा, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। ये यहाँ पे नेशनल हाईवे गुजरता है यहाँ से यमुनोत्री के लिए, जो बड़कोट होते हुए यमुनोत्री की तरफ जाता है, वो काफी शानदार बन रहा है। जिस दिन ये पूरा बन जाएगा, उस दिन यात्रा जो है काफी सुखद होगी। और ये लोग जो है 12 महीने इन नज़ारों का आनंद ले सकते हैं और लेंगे। और ये यहाँ पे वर्धनम रिसोर्ट एवं रेस्टोरेंट है, बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ। यहाँ पे पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। आप देख रहे होंगे नीचे, वहाँ से अलग रोड है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, और साथ में इस रेस्टोरेंट में शुद्ध खाना भी बनता है। और फिलहाल देखिए ये खूबसूरत फूल, ये जगह जगह पे मेरे जीजा श्री ने इनको, इन पौधों को लगाया है। वाह, ये सबको बहुत आनंदित और अभिभूत कर रहे हैं। वाह कितना खूबसूरत। ये पीछे प्राइमरी पाठशाला है, जिसपे कुछ समय पहले मेरी दीदी टीचर्स हुआ करती थी। और ये वर्धम रिसोर्ट का जो दृश्य है, इसका चारों तरफ दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। एकदम प्रकृति के बीच में और एकांत जगह पे, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ का नहीं है, देखिए कोई भी नहीं। मुझे तो ऐसी जगहों पे रुकना बहुत अच्छा लगता है। जो प्रकृति की गोद में हो, एकांत में हो, क्योंकि शहरों की भागम भाग से दूर, या रोजमर्रा शहर हो या गांव, आज इंसान की जिंदगी दौड़ भाग वाली तो हो ही रखी है। और जब इंसान ऐसी जगहों पे, ऐसी प्राकृतिक छटाओं के बीच में या प्रकृति के नज़दीक आता है, तो वो स्वचिंतन करता है। और अपनी ओर लौटता है, निजता की ओर। तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे तो पार्किंग की तो बहुत ही व्यवस्था है, यहाँ रोड पे भी देखिए कितनी जगह है। वो नीचे तो है ही, धीरे धीरे ये काफ़ी डेवलप होने वाला है ये रेस्टोरेंट, ये रिसोर्ट। एकोमोडेशन से भी यहाँ पर अभी ठीक ठाक है और धीरे धीरे डेवलप हो रही है, लेकिन मेन चीज है ये नज़ारे। आह देखिए, ये बरसात के महीने प्रकृति ये सजती संवरती है। और
ये है साथियों ये खूबसूरत जगह का नज़ारा। देखिए यहाँ से मैं इस साइड से भी ये दृश्य दिखाता हूँ। और यहाँ पर नीचे तो ये लोग अपने आप रहते हैं, लेकिन ऊपर जो है उन्होंने रेस्टोरेंट या रिसोर्ट के रूप में विकसित किया है। तो देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही शानदार। आहा कितना सुंदर व्यू है, आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। मुझे तो ये नज़ारे बहुत पसंद है और ये मेरे हृदय को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। वाह क्या प्रकृति कितनी सुंदर सज रही है। देखिए बेहद शानदार खूबसूरत ये कुछ फूल। तो दोस्तों आपको ये खूबसूरत नज़ारे बहुत पसंद आए होंगे इन पहाड़ों के। मेरा पहाड़ की धरती छया बहुत सोहनी तो लगनी छया, मेरा पहाड़ की धरती छया। तो दोस्तों अवश्य आए इन पहाड़ों में घूमने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। आशा है आपका प्यार मुझे मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।